कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद का प्रभाव देश के कई राज्यों में दिखने को मिल रहा है। वहीं मुस्लिम महिलाओं की तरफ से हिजाब पहनने का समर्थन किया जा रहा है। कॉलेज में हिजाब पहनने की मांग को लेकर देश में जमकर सियासत भी हो रही है। कर्नाटक में 3 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज बंद हैं। वहीं मामला हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया है। कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब पहनने को लेकर छिड़ी बहस के बीच जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाने वाली छात्रा मुस्कान खान को बधाई देते हुए 5 लाख रुपए का नगद इनाम देने का भी ऐलान कर दिया है। अल्लाह अकबर का नारा लगाकर पूरे देश की सुर्खियों में आई बीकॉम सेकेंड ईयर की छात्रा मुस्कान ने मीडिया के सामने भी अपनी बात रखी है। कर्नाटक के महात्मा गांधी कॉलेज की छात्रा कॉलेज में हिजाब की पाबंदी के बाद भी हिजाब पहनकर कॉलेज जा रही है। मुस्कान ने कहा कि 5 लाख की बात के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, वो बेकार में वायरल हो रहा है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। बीते कई दिनों से ये मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी भी ट्वीट करके अपनी बातें रख चुके हैं। बहरहाल मुस्कान ने कहा है कि जब वो कॉलेज पहुंची तो कई लड़कों ने उनसे कहा कि आप बुर्का पहनकर कॉलेज के अंदर नहीं जा सकती हैं। यदि आप कॉलेज के अंदर जाना चाहती हैं तो आपको अपना बुर्का और हिजाब हटाना होगा। इसके बाद अचानक लोग जय श्री राम कहने लगे। वो बार बार चिल्ला रहे थे तो इसे मैंने भी कई बार अल्लाह अकबर बोल दिया।